तो अब इसकी जो कमेंट्री है वो समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई आई एम सेइंग इट इज रिलेटेड विद सैटर्न। देखो आठवां घर शमशान का है ना, आठवां घर समाधि का है। जिन जो लोग बहुत अच्छे होते हैं योग में, उनकी कुंडली का आठवां घर बहुत अच्छा होता है। जो जो योग में बहुत अच्छे होते हैं ना, मतलब बहुत अच्छे टाइम तक वो बैठ जाते हैं, और अपनी जिनको सांसों पे बहुत कंट्रोल है, यानी इंगला पिंगला नाड़ी पे बहुत कंट्रोल है, और बेसिकली प्राणायाम करना है ना, इस तरीके की जो चीज होती है जो सांसों पे कंट्रोल करना पड़ता है। राधा दिन में मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो फिजिकल एक्सरसाइज, नहीं बोल रहा हूँ कि आप कपाल भाती करें वो करें, दो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। मैं बेसिकली मैं इंगला और पिंगला नाड़ी पे कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ। तो जो समाधि में लगाते हैं तो वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बेसिकली वो सांसों पे अपनी कंट्रोल करते हैं, अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको रोक सकें, तो वो 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स से बढ़कर 1 मिनट तक भी ले जाते हैं, क्योंकि सारा खेल मैनिफेस्टेशन का ही है। यूट्यूब पे आप बहुत वीडियो देखोगे, उसमें होता है वो 8th हाउस से कनेक्टेड है, जिसमें आप देखोगे कि वो टाइटल होता है उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो जो चाहो प्रकृति से आपको मिले वो सब 8th हाउस के कार्य हैं ये सब, क्योंकि जो समझा रहे हैं शायद उसमें अगर वो एक चीज और ऐड कर दें, ज्योतिष का ये वाला जो एक स्पेसिफिक इस चीज को वो और ऐड कर दें, तो मतलब जिसे बोलते हैं कि हाँ उसमें और यू नो इट्स अ फेदर इन कैप वाली बात होगी। तो जो लोग अपनी इंगला पिंगला नाड़ी पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनका 8th हाउस बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है बेसिकली। तो और 8th हाउस जिसका अच्छा होगा उसके पास कुछ ये समझ लो जरूरत से ज्यादा उसके पास लक्ष्मी होगी। एज एन ऑड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, मगर हम डिबेट में नहीं जाएंगे। जैसे ओशो, ठीक है ना, तो वो अपने 8th हाउस की वजह से ही, जिनको ओशो के बारे में पता है तो उनके पास सबको पता है कितना उनके पास रोल्स रॉयस थी, कितनी उनके पास कारें थी। तो 8th हाउस जो होता है ना, देखो 8th हाउस ना मैग्नेट होती है, क्योंकि यहाँ पे शनि का, ये शनि का हेडक्वार्टर है। लाल किताब में यही टर्म यूज होती है, हर बुक में इज द हेडक्वार्टर ऑफ शनि, और मंगल यहाँ पे राशि होती है, तो ये मंगल का घर है, शनि यहाँ पे कौन है, ये इनका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जज है वो। जज है मतलब आपके पक्ष में कौन, आपके के लिए कौन लड़ेगा, केतु, और आपके जो अगेंस्ट में होगा वो होगा राहु। आपने कोई अच्छे कार्य किए होंगे तो केतु शनि को बोलेगा, आपने कोई बुरे कार्य किए होंगे तो राहु शनि को बोलेगा, भाई जातक को दंड दो, ठीक है। तो शनि यहाँ पे एक मैग्नेट का कार्य करता है। आप देखोगे कि जो बहुत योगी होते हैं ना, उनके पास वो कभी किसी को, जहां तक मैं जानता हूँ, मैं अच्छे योगियों की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादातर आपको बुलाते नहीं, आप खुद उनके पास खींचे चले जाते हो। मतलब इस 8th हाउस में वो मैग्नेटिज्म होती है, और आप खुद जाके वहां कुछ डोनेट देते हो, डोनेशन देते हो, कभी 10,000 का चेक डाल दिया, कभी 1 लाख, कभी 10 लाख 20, जो बड़े बड़े लोग जाते हैं वो करोड़ों में डालते हैं, वो मांगते नहीं है, वो अपने आप देते हैं, क्योंकि 8th हाउस इज दैट इम्पॉर्टेंट। तो 8th हाउस अगर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी देता है, तो अगर 8th हाउस को आपने सहज लिया तो 8th हाउस मैजिकल मैग्नेटिज्म भी देता है। तो ये अलग हटके है, दो वी वर डिस्कसिंग अबाउट अदर थिंग्स, तो कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो चंद्रमा डेबिलेटेड है, ठीक है, डेबिलेटेड है क्यों है, मैंने उसकी अभी कहानी बताई। चंद्रमा को कर्ज है केतु का, यानी गणेश जी का कर्ज है, यहाँ पे चंद्रमा डेबिलेटेड है, ये मोक्ष का घर है, ठीक है। यहाँ पे जलीय राशि मानी जाती है, जो कि है कौन सी, वृश्चिक राशि, जो दिखाता है गंदा पानी, इट इज नॉट अ स्वच्छ वाला पानी है ना, जो कि कर्क राशि की होती है, ये गंदा पानी है। तो यहाँ पे केतु होगा तो मंगल का ऋण बनेगा, मंगल मतलब मंगल बध के जो भी मैंने कारकत्व को पहले बताए उनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकते है, जैसे नाभि के नीचे का रोग हो सकता है, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बैकबोन में हो सकती है, रेक्टम की कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, पाइल फिस्टुला फिशर हो सकता है, प्रोस्टेट में की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और भाई से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो सकता है, कोई कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मेजर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो मंगल बध के यही होते हैं, और मतलब सिम्टम्स मंगल बध के यही है। तो बेसिकली केतु के 8th हाउस में मोटा मोटा यही जो है, ये इसकी कॉमेंट्री है। तो अब आगे बढ़ते हैं।